हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई पेपर टू एग्जाम 2022 रिवाइज डेट्स। जेई पेपर वन के बारे में तो सब लोगों ने अब जान लिया है कि हाँ, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, बट बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन है कि ये वैलिडेट है सिर्फ पेपर वन के लिए या ये वैलिडेटेड है पेपर टू जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग एग्जाम के लिए होता है। तो मेरा आंसर है तीनों सेशन, तीनों पेपर्स के लिए पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि जेई पेपर वन हमेशा सुबह होता है मॉर्निंग में 9 to 12 इस तरह के टाइम पे, फिर जेई पेपर टू आपका होता है आफ्टरनून में, दैट इज फ्रॉम 3 PM to 6 PM ऐसे टाइम पे होता है। तो जेई पेपर वन के साथ जेई पेपर टू भी पोस्टपोन हो गया है, उसके डेट रिवाइज हो गए हैं और आपको अब पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलेगा एंड मेरे चैनल उसको हेल्प भी करेगा। जेई पेपर टू ए जो कि आर्किटेक्चर के लिए, जेई पेपर टू भी जो कि प्लानिंग के लिए है, जो दोनों अगर आप एक ही एग्जाम दे रहे हो तो 3 hours में होगा, दैट इज आफ्टरनून 3 PM to 6 PM, और अगर दोनों एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 3.5 hours मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट दो सेशन जो सेम होंगे आप हैंडल करोगे उनको इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद प्लानिंग भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, फिर उसके बाद लास्ट में 1 hour आपको दिया जाएगा ड्राइंग पेपर के लिए। अगर आप दोनों आर्किटेक्चर और प्लानिंग ले रहे हो तो आपको 3.5 hours मिलेगा और उसमें आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो और मार्क्स उसी हिसाब से डिसाइड होंगे। जैसे अगर कोई कोई लेते हैं ना PCMB लेते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन मार्क्स लेते हैं और बायोलॉजी के साथ उनका मेडिकल रैंक आता है, और मैथमेटिक्स के साथ उनका जो इंजीनियरिंग का जो परसेंटाइल आता है वो आता है ना, उसी तरह से आपका प्लानिंग और आर्किटेक्चर का परसेंटाइल निकालेंगे और उससे आपके जो मार्क्स होंगे, सॉरी जो रैंक्स होंगे वो डिसाइड होंगे। तो ये रहे आपके रिवाइज एग्जाम डेट्स, जो कि है फर्स्ट सेशन के है 20 ऑफ द जून टू 29th ऑफ द जून 2022, और एक सेशन टू के है 21st ऑफ जुलाई टू 30th ऑफ जुलाई 2022। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। कुछ भी डाउट हो या फिर जेई पेपर टू एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करो, शेयर करो गाइज। थैंक यू।